तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो आइयो आप सभी बिल्कुल ज्यादा जो है मस्त होएंगे। तो आज का जो है टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है सीरियस होने वाला अपने गेम से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि गरीना जो है रेड क्रिमिनल बंडल जो है दोबारा से लेकर आया गेम के अंदर और उसी के साथ जो गन स्किन्स भी ला रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जो है गरीना फ्री फायर में रेयर आइटम्स को जो दोबारा से ला रहा है और इसका गेम पे आखिर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वीडियो को जो है बिना स्किप करे एंड तक देख लेना। तो भाई पिछले 3 महीने से जब से अपना जो गेम है वो बैन हुआ है तब से जो अपना फ्री फायर जो है गेम डेड पड़ा हुआ है और इसी वजह से जो गरीना है वो गेम में जो है रेयर आइटम्स ला रहा है ताकि वो जो है पैसा कमा सके, क्योंकि अपनी पिकाची ऑडियंस के पास भाई पैसों की कमी थोड़ी ना है। उनको एक जूता भी देगी ना रेयर आइटम बोल के तो वो उसको भी भाई खरीदने के लिए 1000 डायमंड्स लगा देगी। तो खैर छोड़ो, ये पिकाची पब्लिक के बारे में जितनी बात करे उतनी कम है। और फिर सेकंड रीजन है गरीना जो है गेम को रिवाइव कराने की जो है कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई रेयर आइटम आता है गेम के अंदर तो जो प्लेयर्स जो है ऑफलाइन है वो भी जो गेम को खेलने लग जाते हैं और उस आइटम को जो है निकालते हैं, क्योंकि गेम में जो कई तरीके के लोग होते हैं जिसमें से एक तो वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ जो गेम खेलने से मतलब होता है जैसे कि मैं। अबे साले तभी और फिर दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने कलेक्शन के पीछे जो है पड़े होते हैं, मतलब गेम खेलना आता हो या नहीं आता हो, लेकिन भाई रेयर आइटम तो जरूर होना चाहिए। तो इन सब आइटम्स को रिटर्न लाने से एक तो जो है कमाई होती है और दूसरा गेम थोड़े टाइम के लिए जो है उठ पाता है। अब इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उसको भी हम जो समझ लेते हैं। तो मैंने जो अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था अपने फॉलोअर्स से, बेट बेटे गाइस क्या आपने भी मुझे फॉलो नहीं किया? नहीं। तो यार कर लेना भाई, भापे आप लोग भाई मुझसे बात कर सकते हो। तो मैंने पूछा था कि क्यों अपना जो गेम है वो बोरिंग होता जा रहा है और उसका साथ में जो उसका रीजन भी दो। तो उसमें जो है दो चीज निकल कर आई, एक तो जो है गेम पेड होता जा रहा है जो कि आज की रियलिटी है। गरीना जो रेयर आइटम्स लेकर आ रहा है जो रिच प्लेयर्स है वो इन सबको जो परचेस कर सकते हैं और जिन प्लेयर्स के पास जो पहले से ये सब रेयर आइटम्स है भाई वो लोग तो टेंशन में हो ही जाएंगे ना, क्योंकि अब उनके पास कोई भी चीज जो है रेयर नहीं रहेगी। तो जो ये रीजन मैंने बताया उस वजह से काफी लोग जो है डिसअपॉइंटेड है। पहले जो हाल ग्रीन क्रिमिनल का जो हुआ था वही अब जो है रेड क्रिमिनल का भी जो हो जाएगा, मतलब इज्जत खत्म हो जाएगी क्योंकि अब रेयर तो रहेगा नहीं। और मैंने तो ये भी सुना भाई जो गरीना है ना वो सारे के सारे क्रिमिनल बंडल्स को जो है रिटर्न लाने वाला है और क्या पता हिपोप और सकुरा बंडल भी जो है लेकर आया वापस। फिर तो भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा गेम का, क्योंकि 2-3 बंडल्स ही है जो रेयर है। तो जाहिर सी बात है जो ओल्ड प्लेयर्स उनको गुस्सा तो आएगा ही, इसलिए वो लोग जो है गेम को अब लीप कर रहे हैं। लेकिन बेट बेट गाइस ये सब जो बंडल है ना वो फिर दोबारा से जो है रेयर भी हो जाएंगे, लेकिन आज से 4-5 साल बाद गेम में न्यू प्लेयर्स आएंगे तो उनके पास जो बंडल है वो नहीं होगा, तो तब के टाइम में आप लोग अपना कलेक्शन जो उनको चमका सकते हो। तो आपका इस बारे में क्या विचार है भाई नीचे मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि गरीना ये सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो बस गाइस आज के लिए इतनी बकचोदी बहुत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।